हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग सीजी टेट एग्जाम के बारे में पूरा डिटेल से वर्णन करने वाले हैं, डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं। क्या योग्यता होगी, कैसा परीक्षा होगी, कब परीक्षा होगी, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, इसका सिलेबस क्या होगा, इस सारे डिटेल्स यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहली बात बता देना चाहता हूँ, ये परीक्षाएं जो ले रही टेट का, इसलिए कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट 33,000 शिक्षा कर्मी का पोस्ट आने वाली है वैकेंसी, और घोषणा कर चुकी है कि 33,000 पोस्ट यहाँ पर लाएगी। उससे पहले यहाँ पर टेट एग्जाम करा देना चाहती है, ताकि और भी लड़के जो इस क्राइटेरिया में है और जो परीक्षा देना चाहते हैं वो अपना परीक्षा से वंचित न रह जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टेट यहाँ पर ला रहा है। तो टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसे आपने देख चुका है, गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। इसमें मुख्य मुख्य बातों को अगर हम लोग देखें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि इसमें 7/3/2024 माने 7 मार्च से ये फॉर्म आपका भराया जाने लगेगा, जो लगभग चलेगा पूरा एक माह, 7 अप्रैल 2024 रविवार तक आप फॉर्म भर सकेंगे, रात को 11:59 तक। त्रुटि सुधार होगा तो 8 से 10 अप्रैल 2024 में आपका त्रुटि सुधार होगा, और संभावित परीक्षा जो इसकी होगी 21 जुलाई को होगी, और 21 जुलाई को संभावित परीक्षा होगी। तो मान के चलिए जो आपका शिक्षा भर्ती परीक्षा आएगी, ये जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास इसकी परीक्षा होगी। तो ये नोटिफिकेशन था जो आपको मैं विज्ञापन में जारी किया। अब क्या है कि अभी तो जो नोटिफिकेशन आया पूरा डिटेल आया नहीं, लेकिन फिर भी पुराना जो हुआ था टेट परीक्षा उसके आधार पर मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता देना चाहता हूँ जो आपके लिए जरूरी है। तो सीजी टेट 2024 का नोटिफिकेशन डेट जैसे हमने बताया, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता सीजी टेट 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, ये आप लोग जान रहे हैं। और इसी के साथ परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जो नोटिफिकेशन के अनुसार उनका 7 मार्च 2024 से ऑनलाइन आवेदन भर पाएंगे, 7 अप्रैल 2024 तक या सीजी टेट 2024 के लिए आवेदन कर सकेंगे, माने पूरा एक महीने का समय है। वेबसाइट में जाना तो व्यापम के वेबसाइट सीजी टेट वाला आप जा सकते हैं। सवाल यह है कि सीजी टेट के पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो परीक्षा पास होने के लिए हमको आपको बता देना चाहते हैं कि सीजी टेट परीक्षा उत्तीर्ण के लिए 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। गौरतलब है कि परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवार को कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ाने के लिए पात्रता प्रदान की जाएगी, जिसके तहत पहली से पांचवी तक, याद रखेंगे पहली से पांचवी तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवार को पेपर फर्स्ट देना होगा, और वही छठवीं से आठवीं के लिए पेपर टू देना होगा। और जो दोनों में अपने आप को अवेलेबल कराना चाहते हैं, दोनों परीक्षा देना चाहते हैं, तो दोनों पेपर भी आप दे सकते हैं, पहला और सेकंड दोनों पेपर आपको देना होगा। आप अगर छठवीं से आठवीं पढ़ाना चाहते हैं और पहली से पांचवीं पढ़ाना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर आपको देना होगा। अब सवाल ये होता है कि सीजी टेट शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। तो अगर हम पहले चले इन पर, इस शिक्षकों के लिए 1 से 5 वर्ग तक प्राथमिक स्तर के, जो प्राथमिक स्तर के हैं उसके लिए क्या माना गया, तो कहा अभी तो आया नहीं है, लेकिन बता देना तो अभी पिछले वर्ष जो आया था उसके आधार पर न्यूनतम 50% आप में आपको उच्चतर माध्यमिक अर्थात 12th पास होना चाहिए। पहली चीज तो यह है कि 12th आपको कम से कम 50% अंकों के साथ आपको पास होना चाहिए। इसके बाद द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे कोई भी नाम से गया, अंतिम वर्ष में सॉलिड में माने आपको डीएड भी होना चाहिए। एक चीज है, आप डीएड में आप कर रहे हो या अंतिम वर्ष में, डीएड के 2 वर्षीय डिप्लोमा जो होता है डीएड का, तो वो अंतिम वर्ष में हो या आप निकाल चुके हो और आपके पास 50% के साथ आप 12वीं क्लियर कर चुके हो, तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट अगर आपसे छूट देती है तो छूट देने के एवज में वो 45% भी मांग सकती है, उच्चतर माध्यमिक शाला में 45% भी यहाँ पर मांग सकती है। ये दो चीजें, बाकी तो गवर्नमेंट का रहता, बहुत सारे कंडिकाएं होती है, मैं मेन कंडिका मुख्य बता दिया। आप मान के चलिए कि आपके पास 12th में 50% होने चाहिए। हाँ, केवल आप कोई मतलब नहीं, अगर केवल आप 12वीं पास है या ग्रेजुएट है और आपने टेट और डीएड नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर चीजें में, तो आपको डीएड या टेट होना ही चाहिए।
लेकिन एक चीज और बता देते हूँ कि ये जो 1 से 5 वर्ग के स्तर में अगर आपके पास बीएड डिग्री है, आप बीएड करके बैठे हैं और बीएड आपके पास डिग्री है, तो भाई आप अवेलेबल जो होंगे 6वीं से लेकर 8वीं वाले में भरने में अवेलेबल होंगे, ना कि इसको भरने में। लेकिन डीएड अगर आपने करके रखा है तो डीएड आपने करके रखा है तो दोनों में भर सकेंगे, माने 1 से 5 भी भर सकेंगे और सीधा सीधा आप 6वीं से लेके जो 8वीं तक वाला भी भर सकेंगे, लेकिन बीएड वाले केवल आप 6वीं से 8वीं वाले भर सकेंगे और उच्चतर वाला भर सकेंगे, ना कि आपका 1 से 5 वाला भर पाने, इसमें आप दिमाग में रखेंगे। इसमें भी छूट पर डिपेंड करता है, छूट दिया तो 45% के आसपास जा सकते हैं, वैसे देना चाहिए, आपको मिल जाना चाहिए, गवर्नमेंट जरूर एक्शन लेगी इससे संबंधित जो भी छूट वूट का। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं 6वीं से 8वीं तक के लिए क्या योग्यता है और क्या आपको अध्ययन करना है। तो जो स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा कर चुका है, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा कर चुका है, चाहे किसी नाम से भी जाना जाए, चाहे बीएड का किया हो चाहे डीएड किया हो, वो भर सकता है। इसमें भी न्यूनतम 50% अंक मांगना चाहिए, 50% आपसे मांगा जाएगा, साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र 1 वर्षीय स्नातक बीएड अथवा द्विवर्षीय स्नातक बीएड या अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला उत्तीर्ण, माने आप एक मानते चलिए कि यहाँ पर जो अभी जो नया स्कीम आएगा कम से कम 50% के साथ आपने स्नातक किया हो या आपने बीएड किया हो। अगर आपने बीएड परीक्षा लास्ट लास्ट एग्जाम में बैठे हो, अंतिम एग्जाम में बैठे हो, या आपने डीएड कर लिया हो, तो ये एग्जाम को आप भर सकोगे। हाँ, छूट के आधार पर आपको 45% भी छूट दिया जा सकता है, तो ये क्राइटेरिया है। अगर हम लोग इसमें आगे चलते हैं, इसका सिलेबस अगर देखने की कोशिश करके, सिलेबस क्या होगा उसको भी हम लोग एक नजर देख लेते हैं कि वास्तव में सिलेबस क्या होना चाहिए इसका। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु संरचना और विषय वस्तु पर थोड़ा चर्चा करें। प्रत्येक परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे अवधि के होगी, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होगा, गलत उत्तर पर निगेटिव अंक का प्रावधान है। 100% ध्यान रखेंगे कि निगेटिव अंक भी इसमें मांगा जा रहा है, लिया जा रहा है, मैंने आप गलती करेंगे तो आपको निगेटिव मार्क काट लिया जाएंगे। प्रथम पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है। द्वितीय पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर 1 और 5 और 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है, तो दोनों पेपर प्रथम और द्वितीय बैठना होगा। सभी प्रश्न 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी पूछे जाएंगे, प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगी और दोनों पेपर के निर्धारित विषय अंक इस प्रकार होंगे। प्रथम पेपर कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन पात्रता हेतु आपको कौन कौन सा विषय आपको देखना होगा। तो पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 30 अंक के। भाषा हिंदी ग्रामर का होगा 30 बहुविकल्पी प्रश्न 30 अंक के। भाषा अंग्रेजी का होगा 30 बहुविकल्पी प्रश्न 30 अंक के। और गणित भी आपको पूछा जाएगा 30 बहुविकल्पी प्रश्न 30 अंक के। और पर्यावरण से अध्ययन संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 बहुविकल्पी प्रश्न 30 अंक के। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंक के। ठीक उसी प्रकार अगर आप बैठना चाहते हैं 6वीं से 8वीं वाले पात्रता के लिए, द्वितीय पेपर कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन पात्रता हेतु अगर आप बैठना चाहते हैं, तो उसमें भी बाल विकास में शिक्षा शास्त्र का पेपर होगा जो 30 प्रश्न होंगे, यहाँ पर भाषा संबंधित हिंदी व्याकरण का होगा जो 30 प्रश्न होंगे, और भाषा अंग्रेजी का भी होगा 30 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर, लेकिन उसमें जो सामाजिक अध्ययन जो है पर्यावरण है वो नहीं रहेगा। और गणित गणित इसमें अगर हाँ इसमें विषय आधारित परीक्षा, अब इसमें क्या होता है विषय आधारित परीक्षा लेना पड़ता है। अगर आप गणित से देंगे तो गणित से आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर सामाजिक कोई एक विषय सामाजिक अध्ययन से संबंधित रहेगा तो आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अन्य कोई विषय अगर शिक्षक होते हैं तो भी 60 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये टोटल 90 अंक का, और जिस विषय को लोगे उसमें 60 अंक का, तो यहाँ भी आपका 150 अंक का क्वेश्चन आएगा, 150 अंक का पूछा जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सा सिलेबस हमको क्या क्या पढ़ना है, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग डिटेल में सिलेबस को एक बार एक नजर देख लेते हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है, प्रथम पेपर कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन, प्रथम 1 से 5 तक के अध्यापन में जो बाल विकास से क्वेश्चन होगा,
तो बाल विकास होगा तो इस विषय संबंधित प्रश्न 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक मनोविज्ञान और उनके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतः क्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों तकनीकियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर हिंदी की बात कर लिया जाए तो हिंदी में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो भाषा हिंदी के अंतर्गत इस प्रश्न पत्र के माध्यम से शिक्षकों की भाषाई दक्षता समझ एवं संप्रेषण कौशल संचार जिसको बोला जाता है के साथ साथ दैनिक जीवन में भाषा का उपयोग परीक्षण किया जाएगा। विभिन्न विषयों के अध्यापन में उस भाषा के मूलभूत जानकारी होना आवश्यक है जिसको पढ़ाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर इसमें भी जो आपसे पूछा जाएगा वो ग्रामर पूछे जाएंगे, याद रखना हिंदी ग्रामर के जो होते हैं पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनका अपटी गद्यांश होते हैं, इस प्रकार की चीजें आएंगे। अंग्रेजी भाषा का भी बात किया जाए तो इस प्रश्न पत्र के माध्यम से शिक्षकों की अंग्रेजी में भाषाई कौशल समझ एवं संप्रेषण कौशल से संबंधित जानकारी पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकेंगे। प्रश्न पत्र को प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापन के स्तर के ध्यान में रखते हुए कक्षा 12 तक के स्तर का तैयार किया जाएगा। गणित में भी आपको हल्का फुल्का देख लेना है, गणित में पूछे जाने प्रश्न का उद्देश्य विषय के सिद्धांत समस्याएं उनकी शिक्षा शास्त्री समझ की जांच करना होगा। ये प्रश्न पत्र ध्यान रखेंगे 1 से 5 कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। तो आपको जो तैयारी करना है इसी बेस पर गणित का तैयारी करना है। विषय संबंधित विभिन्न पाठ्य वस्तुओं बच्चों तक किस प्रकार सफलतापूर्वक पहुंचाया जाए, विभिन्न परिस्थितियों में कक्षा का शिक्षण प्रक्रियाओं की जानकारी समझ आधारित प्रश्न पूछे जा सके। पर्यावरण से संबंधित भी क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन विषय पूछे जाने प्रश्न का उद्देश्य इस विषय के सिद्धांत समस्याओं एवं की शिक्षा शास्त्री समझ की जांच करना होगा। ये प्रश्न 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे परंतु उनसे जुड़े कक्षा 12वीं तक के स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हल्का फुल्का पर्यावरण से संबंधित जो उनकी समझ होता है जो आपके विशेषकर बीएड में पढ़ाया जाता है उस चैप्टर से संबंधित आपको अध्ययन करना है। द्वितीय पेपर कक्षा 6 से 8 के अध्यापन हेतु बाल विकास शिक्षा शास्त्र में थोड़ा सा आगे का शिक्षा शास्त्र में पूछा जाएगा, अर्थात इस विषय संबंधित 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी आधारित होंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतर क्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी में वही आपको रहेगा सेम जो रहेगा जो 1 से लेकर 5 तक हिंदी, उसमें भी ठीक इसी प्रकार का आएगा जिसमें आपको सिंपल सिंपल संधि हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, यहाँ पर पर्यायवाची हो सकता है, उपसर्ग हो सकता है, प्रत्यय हो सकता है, इस प्रकार का अध्ययन करना होगा। भाषा में भी सेम वैसे ही आपको रखना है लेकिन 12वीं स्तर तक का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर भाषा ही आधार पर, लेकिन इसमें एक है जो अन्य विषय क्योंकि इसमें दूसरा विषय लेकर दिया जाता है तो विज्ञान एवं गणित में जितने भी हम कंपटीशन में पढ़ते हैं प्रायः 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम आधारित होंगे जो आपको गणित का विज्ञान और गणित का अध्ययन करना है। और सामाजिक विज्ञान में भी 6 से 8 ध्यान रखेंगे पूरा कि 6 से 8वीं कक्षा तक इसमें भी 6 से 8वीं कक्षा तक जो पढ़ाए जाते हैं वैसे कुछ गणित को यहाँ पर देखना है, सामाजिक अध्ययन को भी, और 6 से 8 तक के इसको भी देख लेना है विज्ञान और गणित का भी, ये आपके पाठ्यक्रम में आपका दिया है। फिर आगामी आएगा जब डिटेल आएगा तो और भी आप देख सकेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।